गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापी एक काम के लिए। जो काम है वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। तो चलो चलते हैं वापी। सबसे पहले यहाँ से स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से टिकट लेंगे। एक्सप्रेस की टिकट पड़ती है 45 रुपये और जो ऑर्डिनरी अपनी लोकल ट्रेन होती है ना उसकी 25 रुपये और सुपर फास्ट एक्सप्रेस की टिकट 60 रुपये। तो अपनी ऑर्डिनरी ट्रेन में जाएंगे और उसी ट्रेन में रिटर्न आएंगे। सो गाइज, अभी गाड़ी पार्क करने आया था तो पार्किंग तो देखो टूसम टूस भरी पड़ी है चारों जगह। तो एक काम करते हैं, ये व्हाइट वाली एक्टिवा है ना, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं। मैं खिसकाता हूँ फिर लगाते हैं अपनी बिल्लो रानी इधर छाव में। सो गाइज, ये देखो ये एडजस्ट हो गई ना, इसको थोड़ा खिसकाया, इसको थोड़ा खिसकाया, तो अपनी गाड़ी हो गई एडजस्ट। अभी चलते हैं भाई स्टेशन के अंदर, क्योंकि हमारी गाड़ी आएगी 11:05 पर और ऑलरेडी बांद्रा से निकलते हुए 20 मिनट लेट ही चल रही है। और भाई गर्मी के मारे हाल बुरा हुआ पड़ा है, कि भाई गर्मी के मारे एनर्जी लो हो जाती है पूरी। इससे अच्छा भाई टोपी पहनो और सेफ रहो भाई, क्योंकि अभी मैंने हाफ पहना है ना तो पूरे हाथ जल रहे हैं। अभी चलो चलते स्टेशन के अंदर। ये देखो ये अपना जुगाड़ अंदर जाने का, ये देखो ये हमारा जुगाड़ अंदर आने का। तो गाइस ये आई है मुंबई सेंट्रल पोरबंदर एक्सप्रेस और इसके बाद आएगी हमारी ट्रेन। ये देखो ये पंखा कहाँ है और बैठने की जगह कहाँ है, 2 किलोमीटर दूर रखा है पंखा। ये है इंडियन रेलवे का सिस्टम। तो गाइस आ चुकी है हमारी ट्रेन, अभी इसी में हम वापी तक जाएंगे और इसी में रिटर्न आएंगे। तो चलो ट्रेन में बैठते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस अभी बैठ चुके हैं ट्रेन में और सीट भी अपनी अच्छी साइज लोअर मिल गई है। तो चलो अभी ट्रेन चलने वाली बात मिल गई। सो गाइस हमारी ट्रेन पालघर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, अभी नेक्स्ट आएगा। तो गाइस अभी आया है बोईसर स्टेशन, यहाँ से तो इतनी भीड़ नहीं चढ़ने वाली, भीड़ चढ़ेगी डहानू से। ये देखो ये सामने आई है जयपुर बांद्रा टर्मिनल, इसी गाड़ी में गोलियाँ चली थी भाई साहब, किसी को याद हो तो। बहुत बड़ा बवाल हो गया था इस गाड़ी में, पुलिस वाले ने 3 लोगों को टपका दिया था। सो गाइस अभी आया है डहानू रोड, ये देखो। तो गाइस डहानू रोड से हमारी गाड़ी निकल चुकी है और ये वही डहानू वडोदरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, लेकिन किसी काम की नहीं है ना, इसमें कोई वेंडर आता है खाना बेचने के लिए ना कुछ ना कुछ। ये देखो ये लोकोमोटिव भी कपलिंग हो रही है, देखो एक साइड एक्सप्रेस एक साइड लोकल। भाई साहब गर्मी इतनी हो रही है कि पूछो मत यार, हालत टाइट हो गई गर्मी है हमारे, अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा ही होने लगी है। इंडियन रेलवे में ज़्यादातर लोग बिना टिकट लिए ही चढ़ते हैं, तो गाइस पीछे से आ रही है एक्सप्रेस, इसलिए हमें साइड में रोक दिया गया है। तो ये देखो स्टेशन देखो पूरा खाली खम है भाई, ऐसा सुमसान स्टेशन मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में भाई, जैसे कोई परिंदा भी नहीं है आजू बाजू, सिर्फ स्टेशन के 2-4 काम करने वाली पब्लिक है बस, बाकी कोई भी नहीं है भाई। ये देखो सुमसान स्टेशन, सुमसान कोई भी नहीं। ये देखो सामने हुआ है ग्रीन सिग्नल और इधर से आ रही है टीरेन, आ रही है टीरेन। ये देखो गाइस ये भी बिना टिकट वाली पब्लिक है, फोकट का चंदन किस मेरे नंदन। भाई कौन सी गाड़ी थी पता ही नहीं चला, इतना छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ था कुछ समझ में ही नहीं आया। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी ट्रेन आ रही है एक्सप्रेस ट्रेन। तो भाई आप जब भी हमेशा ट्रैवल करो टिकट हमेशा लेना, क्योंकि ये गैर कानूनी चीज़ें मत करना कभी भी। सो गाइस अभी हम रुके हैं बोर्डिंग स्टेशन पर और आकर 1 मिनट भी नहीं हुआ और ट्रेन ने सिग्नल भी दे दिया आगे। ये देखो गाइस ट्रेन चल भी पड़ी है, कितना कचरा फैलाते हैं लोग,
स्वच्छ भारत अभियान की वाट लगा के रख देते, पर ये गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर भी है, बोर्डी रोड। यहाँ से गुजरात चालू होता है। मोस्ट ऑफ 4 से 5 स्टेशन आएंगे, मरगांव, करमबेली, मिलाट और पापी। फाइनल 4 स्टेशन निकालने में 1 घंटा जाएगा। गाइस अभी आया है उमरगाम रोड, जिनकी उम्र बीत जाती है वो इस गांव में आते हैं, इसलिए उमरगाम कहते हैं। ये देखो गाइस, एक लोकल भी खड़ी है, ये बाबूराव बीच में खड़ा है इसलिए दिख नहीं रही। लोकल ट्रेन भी खड़ी है, शायद उमरगाम से वलसाड़ चलती होगी। और पिछले वीडियो में शायद किसी ने कमेंट किया था कि भाई मैंने पुराना रामायण की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर ही हुई थी, यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है। एक भाई ने मैसेज किया था, सॉरी मैसेज नहीं, कमेंट किया था, तो भाई थैंक यू कमेंट करने के लिए। तो टाइम मिलेगा तो जाएंगे हम भी किसी दिन, मुझे तो भाई मेरी गाड़ी लेकर ही घूमना पसंद है। तो भाई रेलवे का टाइमिंग सेट नहीं होता, रेलवे के हिसाब से अपना टाइम सेट करना पड़ता है, अपने हिसाब से रेलवे सेट नहीं होती, तो ये भी एक दुख है, क्या करें। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के बच्चे भी उतरे हैं, ये देखो ऐसे सिस्टर, ये सिस्टर है कॉलेज के बच्चे, जो डानो कॉलेज करते हैं वो यहाँ से ही अप डाउन करते हैं। तो भाई रास्ते के नज़ारे देख लो, क्या खूबसूरत जंगल है, जंगल में मैं क्या है भाई साहब, इधर एक छोटी सी कुटिया डाल के रहो ना, मज़ा आ जाए। नो इंटरनेट, नो मोबाइल, ओनली खेती बाड़ी। गाने ऐसे लगाए कि लगता है कॉपीराइट दिलवा गई, मानेगी ये कॉपीराइट दिलवाएगी मेरी मम्मी, ये वाला कॉपीराइट आएगा ना तो मेरी मम्मी की वजह से, और ये गानों की वजह से आएगा कॉपीराइट। तो गाइस अभी आया है संजाण रेलवे स्टेशन, और ये भी भूतिया श्रेष्ठ रेलवे स्टेशन है, जंगल में बना हुआ है भाई साहब, ये देखो पेड़ पत्ते बिखरे हुए हैं सब। सो गाइस संजाण रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकलती हुई, इसके बाद आएगा पिलाड रेलवे स्टेशन, उसके बाजू में हाईवे भी आएगा। तो गाइस अभी कैंटी के पास से ले रहा हूँ एक पेड़, ये देखो हमारा ही बन रहा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हुए भाई साहब। तो गाइस बिलाड़ आ भी गया हमारे बोलते बोलते, और सामने से आ रही है एक्सप्रेस, कौन सी है, श्री गंगानगर तिरुनेलवेली। और ये बिलाड़ का रेलवे स्टेशन, एसी पेंट्री कार कोच, ये हम सफर के कोच लगाए इसमें आते, पूरी एसी एक्सप्रेस है भाई, स्लीपर का एक डब्बा नहीं है। श्री गंगानगर तिरुनेलवेली, और ये हमारी डमडम छाप एक्सप्रेस भाई, ये देखो यहाँ पर है स्टेशन और यहाँ पर है हाईवे NH 48। सो गाइस भिलाड़ से हमारी गाड़ी निकलती हुई, ये भी खूबसूरत स्टेशन बना है, खूबसूरत भिलाड़। देखो भाई पेसिंग का क्या हाल किया, क्या बोले अभी ऐसे बेवकूफ़ पब्लिक को, आईना साफ है लेकिन इसकी हालत ख़राब है। ये देखो भाई सुकून से रहने की जगह, ऐसे घरों में रहना मुझे बड़ा पसंद है, सुकून, आजू बाजू पूरा जंगल, और ये आ गया करमबेली। चलो बाहर चलकर आपको स्टेशन दिखा देता हूँ, ये देखो इस साइड स्टेशन का ऐसा हाल है, ये भी सुनसान ही है भूतिया स्टेशनों में से एक, बाकी इसके बाजू में भी हाईवे पड़ता ही है। अभी 12:59, 1:01 है। चलो गाइस पुंगी बज गई है गाड़ी की, इसकी निकलने की तैयारी, चलो निकल भी गई, चल भाई जल्दी चल, चलो आप भी चलो। गांव के साइड जाने वाला रोड होगा पक्का, देख के ही अपन बोल रहे हैं, अंदाज है भाई अपना अंदाज। स्टेशन मास्टर का ऑफिस, ये बैठने के लिए लाउंज, लॉन्ज ही बोलेंगे अब, क्या बोलेंगे। सो गाइस वापी आ चुका है, तो हमें साइडिंग में करेंगे, हमें शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लेंगे। मर्सिडीज GLA, ये देखो दिख नहीं रही होगी अभी साइड साइड है, और देखो मर्सिडीज। तो गाइज आ गया है वापी रेलवे स्टेशन, अभी यहाँ पर गाड़ी 1 घंटा रुकेगी, फिर यहाँ से रिटर्न होगी, इसी गाड़ी में रिटर्न जाएंगे हम। तो मैं यहाँ पर आया हूँ ये बोली लेने,
जो कि मेरे मैं जिस साइड रहता हूँ पालकर साइड, वो कहीं नहीं मिलती। ये गुजरात की बोली और गुजरात में मिलती है, तो यहाँ से बोली लेकर फट कन रिटर्न हो जाऊँगा मैं, इसी गाड़ी में रिटर्न हो जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ तक ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। पाछा जी है बराबर, इस वीडियो को इतना ऐड करते हैं क्योंकि मुझे पार्ट टू चालू करना है। ओके, जय श्री राम।